खबर राजगढ़ जिले से है, जहां पांच नाबालिग बालिकाओं को ढूंढने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ब्यावरो शहर की पांच नाबालिग बालिकाएं बुधवार को स्कूल के लिए निकली, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। शाम को बालिकाएं घर नहीं पहुंची तो उनके सौजनों ने थाने पहुंचकर उनके गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों की शिकायत पर सक्रिय हुई पुलिस को बालिकाएं रात 11 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पर मिली। बताया गया कि बालिकाएं बिना बताए परिजनों की डांट से नाराज होकर और घूमने फिरने के बहाने एक सहेली का जन्मदिन मनाने गुना चली गई थी। फिर वह शाम को 7 बजे गुना से ट्रेन में बैठकर कोटा चली गई। इधर शाम 5 बजे तक बालिकाओं के घर नहीं पहुंचने पर परिजन परेशान हो गए और यहां वहां पूछताछ करने लगे। जब बालिकाओं का कहीं पता नहीं लगा तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई और रात 9 बजे के बाद लोगों की भीड़ थाने में जमा हो गई। वहीं मामले में पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल द्वारा 30,000 रुपए के नाम की उद्घोषणा की गई। इसके साथ ही नाबालिग बालिकाओं की काउंसलिंग कर उन्हें अपने परिजनों के सुपुर्द किया गया। जन्मदिन मनाने के लिए निकली है, इस पर से तत्काल टीमें बनाकर रवाना की गई। फिर जो साइबर सेल था उसके माध्यम से कुछ नंबर प्राप्त होने पर उन्हें जब हमने लोकेट किया तो ये जानकारी मिली कि ये बच्चियां कोटा राजस्थान तरफ है। तो इसी बीच से श्रीमान पुलिस स्टेशन महोदय द्वारा GRP कोटा राजस्थान के जो प्रमुख अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे संपर्क किया गया और पूरी टीम को कोटा क्षेत्र में भी एक्टिव किया जाकर इन बच्चियों को वहां से रेलवे स्टेशन कोटा से दस्तयाब किया गया।